2005 यानी यूपीए राज्य में ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की स्थापना हुई। मकसद था किताबें तैयार करने वाली एनसीईआरटी में सुधार लाना। फिर 2014 से एनसीईआरटी की किताबों का रिव्यू शुरू हुआ। अब तो आरोप ये तक लगता है कि भले प्रक्रिया किताबों में बदलाव की पिछले साल शुरू हुई, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े तथ्य बाद में बदले गए। 11वीं की समाजशास्त्र की किताब से भी गुजरात दंगे का हिस्सा एक्सपर्ट के कहने पर हटा। 2002 के गुजरात दंगे गोधरा हिस्सा का पैराग्राफ अगर हटा तो नक्सली आंदोलन, आपातकाल के दौरान विवाद जैसे हिस्से भी किताबों से हटे हैं। जन आंदोलनों का उदय जैसा पाठ भी हटाया गया है। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खायल थे। आरएसएस पे बैन लगा, आप उसको निकाल रहे हैं। दलित राइटर्स के आर्टिकल जो पढ़ाया जाता उसको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आपने निकाल दिया। तो बीजेपी करना क्या चाहती है इस देश में? क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि जस्ट कल क्या हम बताएंगे नहीं गोडसे ने क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी, वो भी पढ़ाएंगे क्या आप? विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि इतिहास इसीलिए बदला जा रहा ताकि बच्चे सच ना जान, लेकिन क्या आरोप सच है? आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है, इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस से चेंज होते जाते हैं लेकिन हिस्ट्री बदलती नहीं। एनसीईआरटी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के काम नहीं करती है, वो एकेडमिक रूप से काम करती है। और इसमें कोई हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया कि तुम हटा दो इसको, इसमें एकेडमिशियन को ही बुलाया गया और विद्वानों को ही बुलाया गया। उन विद्वानों ने हटाया और वही इसको जानते हैं कि हटना चाहिए और हट गया। अब इसमें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये उनका अपना मामला हो सकता है। दो दिन से देश में चल रहे इस विवाद की शुरुआत में कहानी ये आई कि मुगलों का पार्ट भी एनसीईआरटी ने हटा दिया, जिसके बाद कई मीम सोशल मीडिया में चलने लगे। जैसे ये मीम जिसमें लिखा है, उठो अनारकली, अब हम आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मुद्दा मजाक का नहीं, बच्चों की शिक्षा और भविष्य का। दावा की 12वीं की क्लास में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से किंग्स एंड क्रॉनिकल द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर हटा दिया गया। 11वीं की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं, जिसके बाद इतिहासकारों की चिंता और एनसीईआरटी के निदेशक की दलील दोनों एक साथ सुनिए। कम जरूर कीजिए बच्चों के लिए और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन आप गायब ही कर दें और इस तरह से गायब करें कि उसमें बच्चों को ये पता ना हो कि कभी अकबर नाम का भी कोई था, उसने क्या किया था। अरे भाई, आपको लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि हमारे हमारे देश में क्या कौन से डायनेस्टीज थी। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16th-17th centuries, ये दूसरा है थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स 16th-17th centuries। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि दो चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया, तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है अभी भी। इस तरह स्कूली पाठ्यक्रम पर छिड़ी कांट छांट के विवाद की दस्तक में हर पक्ष को सुनने के बाद सामने आता है कि एनसीईआरटी के मुताबिक बच्चों की शिक्षा का बोझ कम करने के लिए तय प्रक्रिया से अंश हटाए गए। विपक्ष की शंका है कि संघ की विचारधारा के मुताबिक तथ्यों को हटाया गया। मुगल काल का पूरा पाठ नहीं हटा, मुगल शासकों की कई नीतियों के पाठ सिलेबस में अब भी कायम है। दावा है कि तथ्यों के दोहराव को खत्म करने के लिए अंश हटे हैं, लेकिन आलोचना इस बात की प्रमुख रूप से है कि राजनीति के तहत ही तथ्यों की एडिटिंग की गई है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।